नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले जियो के नेटवर्क के बारे में। जियो की नेट किस तरीके से बढ़ाए, जियो के यदि आप सिम यूज़ करें तो उसमें किस तरीके से आप जो अपने डाटा को अच्छी खासी स्पीड अवेलेबल करा सकते हैं और अच्छा खासा नेट चला सकते हैं जिसमें आपको नेट चलाने में कोई भी समस्या नहीं आए। तो फ्रेंड, इसको लेकर आप इसका क्या पूरा प्रोसेस होता है, इसमें किस चीज़ का कितना रोल होता है, वो क्लियरली मैं बताऊँगा। तो इसका सारा का सारा रोल होता है नेटवर्क जो टावर लगा होता है उस वो सर्वर कितना दे रहा है और आपका फ़ोन उस सर्वर को कितने परसेंट कवर कर रहा है, यानी कितना अच्छे तरीके से वो सर्वर को कवर कर रहा है और वो किस तरीके से आप क्या काम करोगे जिससे कि वो अच्छा खासा सर्वर है जो कनेक्ट कर सके नेट से, और जो आपके पास टावर वगैरह लगे होते हैं उनसे किस तरीके से जो अच्छा खासा वो सर्वर है जो कवर कर सके। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको यूट्यूब पर अनेकों ढेरों सारे वीडियोज मिल जाएंगे जिसके अंदर आपको ये बताया गया है कि 60 MB 30 MB 15 MB 20 MB पर सेकंड की आपको स्पीड मिलेगी। तो रियल में ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसी स्पीड नहीं मिलती। आप ढेर वीडियो देख लीजिए और सेटिंग ऑन कर लीजिए, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं और ऐसा होता भी नहीं है। मोबाइल के अंदर इतनी स्पीड अवेलेबल भी नहीं होती है, जो मोबाइल के अंदर नेटवर्क ऐसी लगी होती है वो इतना कवरेज नहीं कर पाती 4G के अंदर। तो आपको क्या करना है, मैं तो कुछ आप अपनी तरफ से जो मेरे रियल लाइफ के 5 ईयर के एक्सपीरियंस है वो आपके सामने शेयर करने वाला हूँ, और जो 5 ईयर के रियल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, मोबाइल की सिम सेटिंग के अंदर आना है। यहाँ आने के बाद आपको डुअल डाटा 4G पे एक तो क्लिक कर लीजिए, आपके अंदर दोनों सिम 4G है तो इसे आप ऑन कर लीजिए। दो नंबर आपको डाटा रोमिंग का ऑप्शन मिल रहा है तो आपको डाटा रोमिंग को ऑन रखना है, इससे थोड़ा बहुत सर्वर पर इफेक्ट पड़ता है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, सिम पे आना है और यहाँ पे APN का ऑप्शन मिलता है। मैं बता देता हूँ, APN के अंदर आपको कोई भी नई APN सेटिंग को लॉन्च नहीं करना है। जो APN सेटिंग आपको कंपनी के थ्रू प्रोवाइड करवाई गई है या मोबाइल के थ्रू जो प्रोवाइड करवाई गई है उसी APN सेटिंग के अंदर आपको थोड़ा बहुत चेंज करना है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको इस तरह की APN सेटिंग मिले, इस पर टैप करके और नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा APN प्रोटोकॉल का, तो APN प्रोटोकॉल में जो सेकेंड वाला लास्ट वाला ऑप्शन होता है उससे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आ जाए तो ये देखिए, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल रहा है, 4.6 और 4.6 दोनों का। तो आपको लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ये देखिए, ये जो सेकेंड नंबर पे थर्ड नंबर पे ऑप्शन है इसे आपको सेलेक्ट करके रखना है, और APN रोमिंग प्रोटोकॉल इसके अंदर भी आपको जो थर्ड वाला ऑप्शन है उसे ही सिलेक्ट करके रखना है। और उसके बाद आपको बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है मोबाइल नेटवर्क का, तो इसको आपके टैप करना है। यहाँ पे जो ऑप्शन अलाउ का ऑप्शन है इसे अलाउ कर लीजिए, वो नेटवर्क परफेक्ट है। इसके अंदर आपको LTE को सेलेक्ट करके रखना है, जियो है तो LTE सेलेक्ट करोगे तभी आपके डिवाइस के अंदर नेटवर्क मिल पाएगा। यूज़ वोल्टेज, इसके अंदर आपको वोल्टेज को अनेबल करके रखना है, क्योंकि यदि जियो आप यूज़ करें तो वोल्टेज आपको अनेबल करना ही होगा। एयरटेल वगैरह कर रहे हैं तो आपको वोल्टेज अनेबल नहीं करना होगा, बल्कि वो आपको वोल्टेज अनेबल नहीं है तो 3G या 2G की स्पीड प्रोवाइड करवा देता है, क्योंकि उसके अंदर तीनों स्पीड अलाउडेड होती है, लेकिन इसके अंदर तीनों स्पीड अलाउ नहीं करनी। और उसके बाद आपको क्या करना है, इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे आपके जो भी बैकग्राउंड एप्लीकेशन रन करिए उससे आपको ऑफ करना है। इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, आप जब भी आपके डिवाइस के अंदर कोई भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन कर रही है तो आप जिस एप्लीकेशन को यूज़ करें वो उस एप्लीकेशन को वो एप्लीकेशन अच्छा खासा सर्वर प्रोवाइड नहीं करना, यानी कि जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रन करिए वो डाटा को कंज्यूम करके रखती है और आपके डिवाइस को अच्छी खासी स्पीड नहीं मिलती। तो आपको क्लियर करके रखना है, मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी क्लियर कर दूँगा जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो ऑफ हो जाएगी। और इसके बाद एक सेकंड ऑप्शन में बताना चाहूँगा, आप जियो की सिम यदि यूज़ करें तो उससे आप अपने डिवाइस के सिम के स्लॉट नंबर 1 में डालें। आप जो सिम यूज़ करें जियो, जिस सिम से आप डाटा यूज़ करें उस सिम को 1 नंबर सिम स्लॉट के अंदर यूज़ करें। इससे इफेक्ट क्या प्रभाव पड़ेगा कि जो आपको डिवाइस को सर्वर मिल रहा है वो 1 नंबर सिम पहले कवर करती है, यानी कि 1 नंबर सिम पहले कवर करती है, जिससे स्पष्ट होता है कि वो अच्छा खासा सर्वर पहले कवर कर लेगी। तो आपको 1 नंबर के अंदर यूज़ करना है, इससे अच्छा खासा आपको सर्वर मिल जाएगा। एक और यहाँ पे मेरे तो ये सेकंड वाला ऑप्शन है नहीं, यहाँ पे ओनली वाईफाई कॉलिंग का दिया है। यहाँ पे आपको एक डाटा सेवर का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर यदि आपके डिवाइस के अंदर ये ऑप्शन है तो इस पर आप टैप करके जितनी भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड रन करती है उन्हें डाटा बैकग्राउंड में यूज कंज्यूम करने की परमिशन आप न दें। इससे क्या होगा, जो आप एप्लीकेशन यूज़ करिए उसी को सर्वर मिलेगा, तो आपको अच्छा खासा सर्वर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फेक वीडियो से बचिए। और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको मोबाइल से रिलेटिव, एंड्रॉइड से रिलेटिव टिप्स एंड ट्रिक हमेशा के लिए मिलती रहेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए बाय जय।